और राहुल गांधी को लोकसभा सदस्य के रूप में आयोग्य घोषित किए जाने के बाद से जारी कांग्रेस का प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस यहाँ इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से अपना तगड़ा विरोध दर्ज करा रही है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस संकल्प सत्याग्रह कल बीजेपी पर जिसे कह सकते हैं हमला कर रही। इसके चलते यूपी के जनपद कानपुर देहात में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष नरेश कटियार की अगुवाई में कांग्रेसियों ने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, आज जनपद कानपुर देहात में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के स्थान पर किया जा रहा है। ये हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन चल रहे हैं, उसी श्रृंखला में ये कानपुर देहात में भी आयोजन किया जा रहा है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के लोग माननीय राहुल गांधी जी से कहते हैं कि आप देश से माफी मांगे, मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, किस बात की राहुल गांधी माफी मांगे कि उन्होंने, उनकी दादी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी, इस बात के लिए माफी मांगे कि राहुल गांधी जी के पिताजी ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, इसलिए माफी मांगे कि देश में महंगाई चरम सीमा पर है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, इस बात की माफी मांगे, किस बात की राहुल गांधी माफी मांगे, ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूँ। जिस देश में, जब देश की आजादी लड़ाई की हो रही थी, इन लोगों ने देश के लिए क्या किया ये पूरा देश जानता है। जिन्होंने, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जिन लोगों ने इस देश की लड़ाई लड़ी है, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है, उनको मालूम है कि देश की आजादी में उन्होंने क्या खोया है, क्या पाया है। इन लोगों ने 8 साल में, जो देश में 70 साल में कांग्रेस के हमारे महान नेताओं ने बनाया था, वो 8 साल में इन्होंने बेचने का काम किया है। चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो LIC हो, चाहे SBI हो, सारे लोगों को बर्बाद करने का काम किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @JMDNewsFlash।